मारुति सुजुकी की जिमनी। जब मैंने वीडियो बनाया था बहुत लोगों ने अलग अलग चीजें कही थी। कुछ मारुति सुजुकी की जिमनी के जो फैंस थे उनको खुशी हुई थी कि हाँ जी जिमनी आ रही है। ऊपर आई बटन में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत लोगों को जलन पैदा नहीं क्यों हो रही थी कि जिमनी का न्यूज ये फेक है। तब कुछ एनालिसिस रिपोर्ट के बाद ही हमारे अपने चैनल पे जो भी चीजें डलती है वो सारी एनालिसिस और कुछ एक रिपोर्ट्स के ऊपर ही डलती है, हवा में हम बात करते नहीं है कभी। तो वही चीज आज फिर से सच होने लगी है। एक कंफर्म्ड सोर्स ऑटोकार मीडिया हाउस से पूरा कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ गया है कि मारुति सुजुकी अपनी नई जिमनी को तैयार करने में इंडिया में लग गई है। कब लॉन्च होगी, क्या डिटेल्स रहेगा, कौन सी वेरिएंट आ रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5.3. कौन सी आ रही है, कौन से इंजन ऑप्शंस रहेगा, क्या प्राइसिंग रहेगी, कब लॉन्च होने वाली है, सारी डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो ये छोटी सी वीडियो देख लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं अनिर्बान बैनर्जी टर्बो ड्राइव के नए वीडियो में आपको फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद है तो प्लीज जाने से पहले लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा देना। नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर से जरूर कर देना। चलिए यहां पर बढ़ते हैं सीधा वीडियो की ओर। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। मारुति सुजुकी की ये जो प्लेटफॉर्म है ये सबसे पहले इंडिया में जहां मैन्युफैक्चर होगी जिमनी या जिप्सी आप कह सकते हैं। अभी तक नेम शायद से जिमनी रखेंगे, जिप्सी शायद से नहीं रखेंगे। तो ये जिमनी जहां पे मैन्युफैक्चर होगी वो गुजरात की एक प्लांट होगी, उसमें ये मैन्युफैक्चर होगी। मारुति एम करती है मिनिमम ऑफ 1000 सेल्स और एक्सपोर्ट भी ये करेगी। एक्सपोर्ट में अब यहां पे बात आती है कि कौन सा रहेगा, 3-door 5-door। जी हाँ, 5-door रहेगा यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली कुछ एक लोग जो हैं वो नाखुश हो जाएंगे इस बात से कि 5-door यहाँ पे इंडिया में क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि जिप्सी के जो मेन लवर्स हैं वो ऑफरोडिंग वाले हैं और ऑफरोडर वालों को पता रहता है कि 2-door वाली वेरिएंसी व्हीकल जो है वो काफी अच्छी ड्राइविंग डायनामिक्स के साथ आती है और ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी ज्यादा रहती है। 5-door में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कितना कम होगा वो तो हमें लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, जब जिप्सी या जिमनी हमें देखते हुए मिलेगी। फिलहाल तो 5-door वेरिएंट इंडिया के लिए कंफर्म हो गया है और 3-door वेरिएंट भी इंडिया में बनेगा, लेकिन अभी इनिशियली 3-door वेरिएंट सेल पे नहीं जाएगा। 3-door वेरिएंट 3-4 महीने के अंदर ही सेल जो है उसका मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सेल नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंडिया में जब ऑन सेल आएगा जिप्सी या जिमनी तब वो 5-door वेरिएंट के साथ ही ऑन सेल आने वाला है। इंटीरियर्स मारुति सुजुकी जिमनी के काफी ज्यादा कंफर्टेबल और कुशनी होंगे पिछले जिमनी के कंपैरिजन में। काफी एडवांस सारे फीचर्स जो है वो भी रहेंगे इसमें, जैसे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, ये सब भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है काफी ज्यादा प्लश और कुशनी अपील है। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स रहेगा, जैसे कि बाहर के जिप्सी में भी आपने पहले देखा है वही इंटीरियर्स रहेगा। इंटीरियर्स में कोई ऐसा खास चेंज नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। जी हाँ, एक्स्ट्रा 2 additional डोर्स की वजह से पीछे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा दूसरे कॉम्पैक्ट SUVs जो है उससे थोड़ा सा कम ही मिलेगा। उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि एक्स्ट्रा स्पेस के चक्कर में वो बहुत एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा। उसकी प्लेटफॉर्म जो है उस हिसाब से डिजाइन नहीं की है कि रियर सीट में ज्यादा स्पेस ऑफर करे। उसका प्लेटफॉर्म ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज पर ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और वो जरूर से जरूर फुलफिल करेगी कुछ हद तक, भले ही वो कम हो जाए 5-door में, लेकिन वो फुलफिल करेगी। पूरी डिटेल फीचर लिस्ट के बारे में आपको भी बताया कि अभी बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने बताया है कि सारी बेसिक फीचर्स जो है वो आपको दी जाएगी। साथ ही साथ जो एडवांस फीचर्स ऑफ रोडिंग के लिए केपेबल होते हैं, ऑफ रोडिंग के लिए एक अच्छी फीचर्स मानी जाती है, वो सारी फीचर्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं आप इंजन डिटेल्स के बारे में। देखिए इंजन डिटेल्स यहाँ पे वही 1.5 liter की पेट्रोल इंजन जो दूसरे मारुति कार्स में लगातार यूज हो रही है, अभी विटारा ब्रेज़ा में भी यूज हुई थी, वही पेट्रोल इंजन आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद 5-speed मैनुअल एंड 4-speed ऑटोमेटिक। बाकी डिफरेंस दूसरे कार्स में भी यही यूज होते हैं, तो यहाँ पे भी वही गियरबॉक्स सेटअप जो है वो यूज किया जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं मारुति लोग यहाँ पे। फिर बात करते हैं, अब आते हैं प्राइसिंग पे। प्राइसिंग क्या रहेगी इसकी, देखिए यहाँ पे मारुति सुजुकी की ये जो जिमनी या जिप्सी आप कह सकते हैं जो भी आप चाहें, तो वो यहाँ से बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म इंडिया में प्रचलित नहीं है, वो प्लेटफॉर्म बाहर से वो मंगवाएंगे। बहुत सारी पार्ट्स ऐसी रहेंगी जो बाहर से मंगवाया जाएगा, भले इंडिया में उनकी इंजन मैन्युफैक्चर होती हो, इन बाहर से पार्ट्स मंगवाया जाएगा, कॉस्ट तो बढ़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी की प्रेजेंट प्राइस सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसकी जो प्राइसिंग है ये 10 lakh से थोड़ी सी कम होगी। मतलब कि आप मान लीजिए क्रेटा के आसपास की प्राइसिंग तो इसकी रहेगी, मतलब 9-10 lakh रुपीज का मुझे जो लग रहा है कि इसकी स्टार्टिंग बैंड रहेगी, जिसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फीचर्स और ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ 4x4 भी रहेगा, तो वो सब के साथ यहाँ पे उतार देंगे आप। बेस वेरिएंट में 4x4 रहेगा कि नहीं रहेगा वो बोलना थोड़ा सा भी मुश्किल है। 4x4 भी रहेगी, लेकिन अपर वेरिएंट्स में हो सकता है 4x4 दे, लोअर वेरिएंट्स में प्राइस कम रखने के लिए, इनिशियल प्राइस कम रखने के लिए एक फ्रंट व्हील ड्राइव तो रह ही सकती है। यूरोस्पेक जिमनी जो है वो 6 airbags एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो सब नहीं आने वाला है। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है 2 airbags वाला सिस्टम रहेगा और इसकी क्वालिटी भी जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ी सी कम कर देंगे।
हमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम फॉरेन स्पेक जो यूरो स्पेक जिमनी है उससे कम क्वालिटी हमें यहाँ पे दिखते हुए मिले, तो ये प्रीमियम नेक्सा आउटलेट के थ्रू सेल होगी लास्ट 2020 एंड तक या अर्ली 2021, मेनली अर्ली 2021 ही अभी हमें उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते थोड़ी सी मार्केट डिले होगी, लेकिन थ्री डोर जिमनी जो है वो 3-4-6 महीने के अंदर प्रोडक्शन में चली जाएगी इंडिया में और फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट्स होंगी। उम्मीद करता हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको काफी ज्यादा काम का लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन ऑफ रोडिंग कम्युनिटी, आपके दोस्तों जो भी है उनसे जरूर से जरूर शेयर कीजिए और खुशी मनाइए यार, मारुति सुजुकी की जिमनी आ रही है आफ्टर ऑल, इतने सालों बाद एक कल्ट जिमनी जो है या जिप्सी जो है वो वापस आ रही है इंडियन मार्केट्स में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।